हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और उसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून जीरा और इसको मैं भुनने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ी प्याज कटी हुई और 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन की काट के रखी थी। इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको हल्का फ्राई करना है। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर और हल्के से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हमें इसे नहीं करना है। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टमाटर, बड़ी टमाटर थी और इनको मैंने पील करके रखा हुआ था, इनकी स्किन को और चॉप करके रखा हुआ था, ये मैंने डाल दी है। अब मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। अब मैं टमाटर को गलने तक का इंतज़ार करूँगी। ये देखिए, मैं भी इसे फ्राई कर लूँगी। ये हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा डाला है मैंने ऑयल, 1 टीस्पून के लगभग मैंने ऑयल डाला है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा डालूँगी और थोड़ी कटी हुई मैं इसमें बारीक प्याज डालूँगी, 1 तेज़पत्ता और छोटी सी दालचीनी और 2 लौंग और 3 काली मिर्च मैंने इसमें डाली है और मैं इनको हल्का फ्राई कर लूँगी। देखिए, ऑयल में सिर्फ इनको हल्का सा इनको फ्राई करना है, अच्छे से इनको नहीं भूनना है, हमें हल्का सा फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से आप इसे भून लीजिए। बहुत कम आँच पे मैं इसे जो है फ्राई कर रही हूँ, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब 1.5 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है। और देखिए इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने मसाला भुना था उसको मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है और वो टमाटर का जो मैंने मसाला डाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब मैं इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए 2 मिनट तक मैं इसे चलाते हुए इस तरीके से भून लूँगी। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून और नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने नमक पहले डाला था, नमक स्वादानुसार डालिए। और देखिए इस तरीके से अब मैंने इसमें जो मटर मैंने निकाल के रखी हुई थी, मटर इसमें डाल दी है और अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरीके से चलाते हुए इसमें थोड़ा पानी डाल के आप इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जिससे कि हमारी जो मटर है वो अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के लगभग हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से। और देखिए हमारी जो मटर है तैयार ही है। और ये मैंने इसमें डाला है काजू का पेस्ट, मैंने काजू को पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाला है। और काजू का पेस्ट डालने के बाद देखिए ये थोड़ा हमारा गाढ़ा हो गया है मिक्सचर। अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। देखिए 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही की डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी करके इसमें दही डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें सारी दही ऐड कर दीजिए। देखिए कितना अच्छी सी जो है सब्जी हमारी बन रही है। इस तरह से इसे हिलाते हुए आप चलाते रहें और इसे पकने दें। और अब हमने जो देखिए हमारे मटर गल गए हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर काट के रखा हुआ था, इस तरह के क्यूब्स मैंने काट के रखी हुई है, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पर हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए सब्जी लगभग हमारी तैयार ही है। ये देखिए इस तरीके से आप ढककर इसे लो फ्लेम पे पकने दें। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी सब्जी जो है बनके हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें कितनी बढ़िया सी हमारी जो सब्जी है बन के हो गई है तैयार। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए कितनी बढ़िया जो हमारी सब्जी है बन के तैयार हो गई है। धनिया पाउडर डाल के आप इसे सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।